बाबा राम सिंह पंजाब ते अंग्रेज़ों के कब्जे उत्ते 1857 विच भारत विच होए गदर पिछों अंग्रेज़ों की गुलामी विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले ते लोकां नूं निराशता ते म्यूसी दे वाजू मंडल विचों कढ के चढ़दी कला विच ले जाण ते अंग्रेज़ साम्राज नाल टक्कर लैण लई तैयार करन वाले पहले व्यक्ति बाबा राम सिंह जी सन, जो नामधारी कूका लहर के चालक बने अते अज नामधारी जिन्हां नूं अपना गुरु समझदे हन। इन्हां दी कुर्बानी, उपदेश ते उद्यम सदका सारा देश जाग पिया ते आज़ादी दी लहर दा मुड वज गया। भारत वासियां नूं जगाण ते सिख कौम नूं उभारन लई बाबा राम सिंह जी दे चुके इनकलाबी कदम सदका उन्हां नूं देश निकाला मिल गया ते अखीर ओह शहीद हो गए। सिख शहीदां दी लड़ी विच बाबा राम सिंह जी एक बहुमुल्ला मोती हन, जिस दी चमक, डलक ते शान कौम नूं सदा अगवाई दिंदी रहेगी। बाबा राम सिंह जी दा जन्म 3 फरवरी सन 1816 ईस्वी नूं माई सदा कौर दी कुखों पिंड भैनी राइया जिला लुधियाना विच भाई जस्सा सिंह तरखान दे घर होया। छोटी उम्र विच ही आप दी रुचि भजन बंदगी वाली सी। इस विच पंजाबी पढ़ के सिख धार्मिक विद्या किसी विद्वान तो लई। वड्डे हो के अपने खानदानी पेशे तरखाने, लोहारे ते राजगिरी दे काम विच जुट गए। मापिया ने अपने लाडले पुत्र दा विआह छोटी उम्रे ही बीबी जस्सा नाल कर दिता। 20 साल की उम्र विच बाबा राम सिंह जी लाहौर गए ते अपने एक रिश्तेदार भाई काबल सिंह जी की प्रेरणा नाल खालसा राज की फौज विच भर्ती हो गए। आप नूं कंवर नौ निहाल सिंह दे तोपखानी डेरे विच रख लिया गया। फौजी जीवन विच जेड़ा भी वेला वक्त मिलदा उसनूं भजन बंदगी विच ही बितांदे। पहले उदासी ते फिर किसी निर्मले साध दे डेरे नाल जुड़े, पर आप नूं इत्थों मानसिक संतुष्टा ना मिली। सन 1841 विच आप दी फौजी पलटन हजरों गई तां उत्थे आप दा मेल बाबा बालक सिंह नाल होया, जो जगियासी अभ्यासी लहर दे मुखी साई साहब भगत जवाहर माल जी दे डेरे दे करता धरता सन ते जिन्हां ने नाम अभ्यास ते सिक्खी प्रचार दा सदका बड़ी प्रसिद्धता प्राप्त की हुई सी। बाबा राम सिंह दे मन उत्ते बाबा बालक सिंह दा अजिहा प्रभाव पिया कि उन्हां दे चेले बन गए ते उन्हां पासों ही अमृत छकिया। दसंबर 1845 विच अंग्रेज़ां ते सिखां दीआं लड़ाइयां शुरू होण तों कुछ ही दिन पहलां बाबा राम सिंह दे मन ने अजिहा पलटा खाधा कि फौजी जीवन त्याग के अपने पिंड भैनी वापस आ गए। इत्थे कुछ समा अपना पुराना खानदानी पेशा अपनाई रखिया। फिर लुधियाने एक कारखाने विच कुछ समा काम किया ते इत्थों काम छड्ड के वापस पिंड जाके लोहे ते कपड़े की दुकान खोल लई। ओह ना चली क्योंकि भाईवाल बेईमान निकलिया। आपने दुकानदारी भी छड्ड दित्ती ते भाई बालक सिंह दे दर्शन करन लई हजरों चले गए। कुछ समा उत्थे ही रहे ते उन्हां पासों भी बहुत कुछ सीखिया। वापस भैनी साहब आके फिर दुकान शुरू कर ली, पर नाल ही सिक्खी प्रचार दा काम शुरू कर दिता। 1857 की विसाखी की गल है कि भैनी साहब विच आपने 7 संघियां का इकट्ठ बुलाया ते उस समय अमृत प्रचार किया। इस मौके ते जिन्हां ने अमृतपान किया ओह बाबा राम सिंह दे मुढले सेवक ते साथी बने। इस पिछों अमृत प्रचार की लहर शुरू कर दिती। धार्मिक तौर ते डावांडोल हो रहे सिखां दे मनां विच सिक्खी लई उत्साह ते लगन पैदा करके ते कुरीतियां दूर करके गुरसिक्खी का प्रचार किया ते आप सुधारक गुरसिख आगू बन गए। आप दी शख्सियत, रहणी बहणी, अमल, बोलन, ढंग, वर्ताव ते समझाण दी शक्ति विच बहुत ही असर सी। सिखां तो छुट्ट हिंदुआं ते मुसलमानां विच भी आप दा प्रभाव पहुँच गया। लोग गुरमत के धारनी होण लग पे। वाहिगुरू ते नाम बाणी विच जुड़न वाली एक नवीं श्रेणी पैदा हो गई जिसनूं लोकी नामधारीए कहन लग पे, क्योंकि शब्द पढ़दे नामधारी रस विच मस्ताने हो के कूका मारन लग पैंदे सन। इसलिए इन्हां दा नाम नामधारीए तो छुट कुके भी प्रचलित हो गया। मुड़ विच बाबा राम सिंह जी की चलाई संप्रदाय के नियम उही सन जो बाबा बालक सिंह जी ने जगियासी अभ्यासी लहर लई नियत किते सन, पर पिछों जाके नामधारी संप्रदा का रुख बदल गया तो यह पुरानी लहर नालों टुट के एक नवीं लहर बन गई। सन 1860 विच आपने भाई की पदवी धारण की। अखीर तक वह अपने आप नूं भाई ही लिखते ते अखवांदे रहे। पिछों उन्हां दे श्रद्धालू उन्हां नूं गुरु कहन लग पे। हालांकि बाबा राम सिंह जी ने अपने सारे जीवन विच इस गल ते जोर दिता सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो पिछों कोई देहधारी गुरु नहीं हो सकता। गुरु कहाउण वालियां नूं बाबा राम सिंह जी पखंडी बहुरूपीए कहा करते सन, पर पिछों आप दे सेवकां ने देहधारी गुरुआं दा सिलसिला तोड़ दिता। बाबा राम सिंह जी के श्रद्धालुआं ते सेवकां की गिनती बहुत वध गई। यह लहर सारे पंजाब विच ही खिलर गई ते बाबा राम सिंह जी भैनी तो बाहर दूर दूर प्रचार लई पहुँचन लग पे। एक बार आप अमृतसर भी गए, उत्थे श्री अकाल तख्त साहब ते आप दा प्रसाद प्रवान ना किया गया ते पुजारियां ने अरदास ना की। उस समय पुजारियां ने इतराज किया कि नामधारी गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर नंगे सिर वाल खिलरे नचदे ते भुड़कदे हन, यह गुरु साहब की बेअदबी करते हैं। 1863 ईस्वी की गल है कि बाबा राम सिंह जी ने फिरोजपुर दे इलाके विच प्रचार दौरा किया। उस समय पहली बार अंग्रेज़ सरकार नूं इतलाह मिली कि आप सरकार अंग्रेजी विरुद्ध लोकां नूं भड़का रहे हैं, लोकां नूं कह रहे हैं कि फरंगियां दा राज खत्म हो रहा है ते साडा राज कायम होने वाला है। सरकार ने इन्हां रिपोर्टां दी पड़ताल की तां ठीक साबित होण ते जिला फिरोजपुर विच नामधारियां दे दीवानां ते इकट्ठां ते पाबंदी ला दिती गई ते बाबा राम सिंह जी नूं जिला फिरोजपुर विचों चले जाने लिए कहा गया। फिर आप ही उस समय के जिला अधिकारियों ने बाबा राम सिंह जी नूं वापस उन्हां दे पिंड भैनी पहुँचा दिता। यह पहली घटना है जद कि अंग्रेज़ों ने बाबा राम सिंह जी की चलाई लहर विरुद्ध कार्रवाई की ते बाबा जी नाल टक्कर लैनी शुरू कर दी। 1863 ईस्वी विच अंग्रेज़ों नूं यह महसूस होया कि बाबा राम सिंह जी ते उन्हां दी चलाई नामधारी लहर केवल सिखां विच धार्मिक ते सुधारक लहर ही नहीं, ये तां अंग्रेज़ नूं खत्म करन लई एक विਉਂत भी है। सरकार अंग्रेजी ने इसे करके बाबा राम सिंह जी नूं फिरोजपुर जिले विचों कढ़िया ते उन्हां दे दीवानां ते पाबंदी ला दित्ती। नाल ही अपने CID दे विशेष कर्मचारियों नूं बाबा जी दे सेवक बना के भेज दिता ताकि वह सारे भेद कढ़न। उन्होंने सरकार नूं सूचना दी कि नामधारी जंग लई तैयारियां कर रहे हैं, रोज़ रात नूं डांगा हत्थां विच लैके परेड करते हैं। बाबा राम सिंह जी उन्होंने दसदे हैं कि अंग्रेज़ों का राज बहुत छेती खत्म हो जाएगा। यह भी नामधारियों नूं विश्वास है कि उन्हां दा बहुत छेती राज हो जाएगा। दिवाली 1863 ईस्वी नूं नामधारियों का अमृतसर विच इकट्ठ सद्या जा रहा है। उस समय नामधारी बगावत कर देंगे। इन्हां रिपोर्टां ते इतलाहां के आधार ते अंग्रेज़ सरकार ने 1863 ईस्वी दे जुलाई के महीने बाबा राम सिंह जी नूं उन्हां दे पिंड भैनी विच नज़रबंद कर दिता। उन्हां नूं हुक्म दिता गया कि वह पिंड तो बाहर नहीं जा सकदे। सारे पंजाब विच नामधारियों के दीवान भी बंद कर दिते गए। इस तरह 1863 की दिवाली के समय जो कुछ प्रोग्राम सी वो सब विचे रह गया। नामधारियां विच एक पासे सुधार का जोश ते जज्बा सी, दूजे अंग्रेज़ सरकार दीयां पाबंदियां विरुद्ध नफरत सी जो किधरे ना किधरे निकलनी सी। अंग्रेज़ सरकार विरुद्ध खुली बगावत दी ना अजे तैयारी सी ते ना ही कोई मौका सी, इसलिए वह नफरत सुधार के खेतर विच गर्मी लै आई। नामधारी मड़ी मसाणा ते कबरां दी पूजा के विरुद्ध सन, इसलिए सारे जिलियां विच ही नामधारियां ने कई मड़ियां, कबरां ते मूर्तियां भन्न तोड़ दित्तियां। 4 साल नामधारियां दीयां सरकारां विरुद्ध सरगर्मियां जां तां बंद रहियां ते जां ओह गुप्त तौर ते करदे रहे। सरकार नूं उन्हां दीयां खतरनाक सरगर्मियां बंद हो गईयां जापियां, जिस करके बाबा राम सिंह जी दे कहण ते 1867 विच उन्हां नूं होले महल्ले ते श्री आनंदपुर साहब जान की आग्ञा मिल गई। नाल ही उन्होंने नज़रबंदी तो आज़ाद कर दिता गया। उस साल 1867 विच ही दिवाली समय बाबा राम सिंह जी ने नामधारियां का बहुत वड्डा इकट्ठ किया। इस समय तक कुक्कियां दी रोह रीति गुरमत तो काफ़ी दूर जा चुकी सी ते आम सिखां विच इन्हां दे मनमतीए होण बारे चर्चा चलन लग पई सी। नामधारी खुले तौर ते बाबा राम सिंह जी नूं गुरु ते अकाल पुरख कहन लग पे सन, इसलिए सिखां विच इन्हां दी जबरदस्त विरोधता होण लग पई। पहला वर्गा उत्साह ते लोक मिलवर्तन ना रहा। 1869 विच कुछ नामधारियां ने फिरोजपुर जेल विच बगावत कर दिती, पर सरकार ने सख्ती नाल दबा दिती ते बाहरली नामधारी लहर ते उसका बहुत असर ना पिया। इसे साल ही बाबा राम सिंह जी ने महाराजा कश्मीर पास कुछ कुक्के नौजवान भेजे ते कश्मीर विच कुक्का फौजी पलटन खड़ी हो गई। 1869 विच बाबा जी ने नेपाल दे राजे वल भी एक मित्रता मिशन भेज के उन्हां नाल संबंध बनाने का यतन किया। गऊ हत्या के मामले विच नामधारी हिंदुओं नालों भी बहुते कट्टर सन, इसलिए उन्होंने बुचड़ा नूं मारन की मुहिम चालू कर दी। 14 जून सन 1870 ईस्वी नूं अमृतसर विच खुले बुचड़खाने ते हमला करके नामधारियां ने 4 बुचड़ मार दिते ते 3 सख्त जख्मी कर दिते। इस तरह 15 जुलाई 1871 ईस्वी नूं रायकोट जिला लुधियाना के बुचड़खाने ते हमला किया गया ते एक मर्द, एक जनानी ते एक बच्चे नूं मार दिता गया। 3 नामधारियां नूं इस मुकदमे विच फांसी की सज़ा हुई। एक नामधारी ने अमृतसर दे बुचड़ां दे कातलां दा भी पता दस दिता, हालांकि पहला सरकार दोषी नहीं सी फड़ सकी। अमृतसर वाले मुकदमे विच 4 नूं फांसी ते 2 नूं काले पानी की सज़ा दिती गई। 1872 ईस्वी नूं बाबा राम सिंह जी ने माघी समय भैनी साहब विच इकट्ठ सद्या। यह नामधारियां दा आखिरी इकट्ठ किया जा सकता है। इस समय कुके बहुत जोश विच आ गए ते उन्हां मलेरकोटले दे बुचड़ां नूं मारन दा ऐलान कर दिता। बाबा राम सिंह जी नूं नाल चलण लई कहा गया, पर ओह ना मन्ने तां उन्हां दा भी अपमान करके यह बागी भड़के हुए नामधारी मलेरकोटले वाल तुर पे। राह विच मलौद दे सरदार बचन सिंह दा घर लुटिया ते 15 जनवरी 1872 ईस्वी नूं मलेरकोटले उत्ते जा पे। 125 नामधारियां दा मलेरकोटले दे लोकां नाल टाकरा होया। 8 बंदे दूजे पास्यों ते 7 नामधारी मारे गए। 68 नामधारी जिन्हां विच 2 जनानियां भी सन गिरफ्तार कर लए गए। डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के हुक्म नाल 17 जनवरी 1872 ईस्वी नूं 50 नामधारी तोपां अगे रख के उड़ाए गए। इन्हां विचों एक ने दौड़ के डिप्टी कमिश्नर नूं धौन तो फड़ लिया। इस ते उस कुक्के नूं तलवार नाल टोटे टोटे कर दिता गया। डिप्टी कमिश्नर नूं यह सज़ा देण दा अधिकार नहीं सी, पर उसने किया। उसे दिन अंबाले दे कमिश्नर फोरसाइथ ने लुधियाणे विच बाबा राम सिंह जी नूं सद के उन्हां दे देश निकाले दा हुक्म दे दिता ते सवेरे 4 वजे दी गड्डी चढ़ा के अलाहाबाद नूं तोड़ दिता। कमिश्नर आप मलेरकोटले गया ते जेड़े 16 कुक्के अजे कैद विच सन उन्हां नूं भी तोप नाल उड़ान दा हुक्म दे दिता। फिर उन्हें सरकार नूं जो रिपोर्ट दिती उस विच लिखिया कि बुचड़ा दे सब थां कातलां विच बाबा राम सिंह जी दा हथ है ते इन्हां दी उकसाहट नाल ही सब कुछ होया है, इन्हां ने सब कुछ कराया है। इन्हां नूं सब दोषियां दा पता सी पर इन्हां जान बुझ के इतलाह नहीं दिती। पहला तां बाबा राम सिंह जी ते उन्हां दे साथियां नूं अलाहाबाद रखिया गया पर 5 महीनों पिछों बाबा राम सिंह जी नूं रंगून ते उन्हां दे साथियां नूं होर थावां ते भेज दिता गया। नाल ही सारे देश विच नामधारियां ते करड़ियां पाबंदियां ला दित्तियां गईयां। आप दे श्रद्धालु लुक छिप के रंगून विच भी आपनों मिल आया करते सन ते लोड़ अनुसार चीज़ां भी पहुँचा जाया करते सन। उतों आप दयाल सिंह दे बनौटी नां हेठ चिट्ठियां लिखते रहे तां कि सरकार नूं पता ना लगे ते कोई शक ना पवे। उन्हां होर सचेत हो के रहना शुरू कर दिता तां कि किधरे अंग्रेज सरकार होर दूर किसी टापू ते ना भेज देवे। आपने अपने सेवकां नूं कहा कि लंडन विच महाराजा दलीप सिंह नाल किसी तरह संबंध बनाओ। अखीर इस जलावतनी दे समय विच सन 1885 ईस्वी नूं आप चलाना कर गए। नामधारी संप्रदाय यह नहीं मानती कि वह चलाना कर गए हैं। उन्हां दा विश्वास है कि वह जंगलों विच अलोप हो गए हैं अते अमर हैं। बाबा राम सिंह दे प्रचार दी नींह ओह असूल ते सिद्धांत हैं जो बाबा बालक सिंह जी ने प्रचारे सन। आप दे प्रचार दा मुख मंतव धार्मिक ते समाजिक सुधार सी। सिखां नूं रहत विच ढिले देख के इस्त्रियां ते मर्दां नूं खंडे दा अमृतपान करन 5 ककारां दी रहत रखण दा उपदेश दिता। आप दे देश प्यार नाल भरे होए हिरदे विच अंग्रेजी राज विरुद्ध डूंघे ते जोरदार बलबले सन। इसे करके आप दे प्रचार दा राजसी ते आर्थिक पक्ष भी बड़ी महानता वाला सी। आपने अंग्रेज सरकार नाल सारे भारत विच सब तो पहला ना मिलवर्तन दी लहर तोरी अते अपने श्रद्धालुआं नूं हुक्म दिता कि अंग्रेज सरकार दे स्कूलां अदालतां ते दफ्तरां दा बाईकाट करो, कोई नामधारी फरंगी दी नौकरी ना करे। अपने मुकदमे सुनन लई पंचायतां बनाईयां ते डाक दा अपना वखरा प्रबंध चलाया। नाल ही आपने स्वदेशी दी लहर तोरी अते खद्दर पान ते जोर दिता। हर एक नूं हथियारबंद करन लई हुक्म दिता ते हर नामधारी लई लाठी कोल रखनी जरूरी करार दिती। इस तरह पिछों राजसी मैदान विच देश नूं आज़ाद कराउण लई चली लहर विच ओही कुछ किया गया जो 19वीं सदी विच बाबा राम सिंह जी ने किया। आप दी जलावतनी ते इतनियां सख्तियां केवल नामधारियां दी बदअमनी करके नहीं सन सगों अंग्रेज सरकार नूं पता लग गया सी कि बाबा राम सिंह वल्लों दिती जा रही राजसी रोशनी जे सारे भारत विच खिलर गई तां अंग्रेज दा राज नहीं रह सकेगा। बाबा राम सिंह जी साडी आज़ादी दी लहर दे पहले महान संग्रामीए फरंगी दा बाईकाट करन दी मुहिम चलाण वाले ते देश नूं चढ़दी कला विच ले जाण लई कृतियां विरुद्ध लड़न वाले महापुरुष सन। होर नामधारी शहीद बाबा राम सिंह जी दी नामधारी लहर एक पासे धर्म प्रचार समाज सुधार ते कृतियां विरुद्ध एक अंदोलन सी ते दूजे पासे अंग्रेज राज विरुद्ध लोकां विच नवां जोश नवां उत्साह ते नवीं लहर पैदा करन दा भी वसीला सी। 1857 दे गदर दी असफलता पिछों सारे देश विच अजई निराशता दी लहर दौड़ गई ते आम लोकां नूं यह महसूस होण लग पिया कि अंग्रेज़ां दा राज हुण खत्म नहीं हो सकदा ते असीं सदा गुलाम ही रहांगे। यह मेयूसी दी उपज विचारधारा सी जिसनूं बाबा राम सिंह जी ने बदल के रख दिता ते अपने सेवकां नामधारियां विच यह विचार पक्का करा दिता कि अंग्रेज़ों का राज छेती खत्म होने वाला है तो असीं आप राज करांगे। इहो कारण है कि अंग्रेज़ों नूं नामधारी लहर खतरनाक प्रतीत होण लग पई ते उन्हां ने नामधारियां दे दीवानां ते इकट्ठां ते पाबंदियां ला दित्तियां ते सख्त निगरानी करन लग पए। नामधारी लहर विच 100 के लगभग बंदे मारे गए। 65 आदमियों नूं मलेरकोटला ते मलोट विच तोपां अगे खड़े करके शहीद किया गया ते एक नूं इस समय तलवार नाल मारिया गया। कुछ नामधारियां नूं अमृतसर ते रायकोट विच बुचड़ा नूं मारन दे इल्जाम विच फांसी की सज़ा दी गई ते कुछ मलोट ते मलेरकोटले विच उंज लड़ते हुए मारे गए। बाबा राम सिंह जी दे नाल ही कुछ होर नामधारियां नूं देश निकाला दिता गया ते ओह विचारे प्रदेशों विच ही मारे गए। इस तरह सब रल के गिनती 100 के करीब हो जाती है। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि ओह नामधारी शहीद किवें बने। ओह तां बुचड़ा नूं मारन करके फांसियां ते चाढ़े गए जां बुचड़ा नूं मारन गए आप टाकरा करदे मारे गए। मेरा विचार है कि बुचड़ा नूं मारन वालियां घटनावां दा पिछोकड़ केवल गौ रखिया का जज्बा ही नहीं, अंग्रेज़ों विरुद्ध नफरत भी है। अंग्रेज़ों ने ही हुक्म दे के यह बुचड़खाने खुलवाए तो बुचड़ा नूं सरकार दी शह सी, जिस करके कुके उन्हां नूं मारन नूं पे। दूजी गल यह है कि कुकियां विच सरकार विरुद्ध जज्बा सी, इसलिए उन्हां ने अंग्रेज़ राज के खात्मे के सुपने ले ते अखीर अंग्रेज़ों ने उन्हां दे दीवानां ते इकट्ठां ते पाबंदी ला दिती। बाबा राम सिंह जी नूं भैनी साहब विच नज़रबंद कर दिता गया। इस तरह कुकियां दे अंदर गुस्सा वधिया, वह गुस्सा फिर बुचड़ा विरुद्ध मुहिम के रूप विच निकलिया। जिमें पिछों जाके अंग्रेज़ सरकार विरुद्ध नफरत करके बब्बर अकालियां ने सरकारी एजेंटां ते झोली चुक्कां नूं सोधिया। जिमें बब्बर दा करम देश भगती सी, इसे तरह बुचड़ा विरुद्ध उस समय का अंदोलन भी अंग्रेज़ों विरुद्ध ही लड़ाई का एक तरीका सी। जब मलेरकोटले की घटना विरुद्ध कुके गिरफ्तार कर ले गए तो लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन ने कुकियां के जथे के आगू सरदार हीरा सिंह तो गड़बड़ का कारण पूछया तो सरदार हीरा सिंह ने जो उत्तर दिता उसनूं संत निधान सिंह की रचना सतगुरु बिलास विच इयों दर्ज किया गया है। बिल्ले ने हीरा सिंह से पूछया, तुमने क्यों गदर मचाया है? हीरा सिंह ने कहा, असी फरंगियां दा राज नहीं चाहते, अपने भरावां दा राज चाहते हाँ। जद तक थोड़ा राज नहीं मुकदा गदर मचावांगे, सिर लवांगे ते देवांगे, तुहानू इत्थों कढ के साह लवांगे, मुड़ जम्मांगे ते तुहानू मारांगे। इस तो साफ स्पष्ट है कि नामधारियां दी बुचड़ा विरुद्ध कार्रवाई असल विच अंग्रेज़ों विरुद्ध ही एक अंदोलन सी। 14 जून 1871 ईस्वी में 10 नामधारियों ने अमृतसर के बुचड़ा ते हमला किया ते 4 थां ते मार दिते, 3 नूं जख्मी कर दिता। फिर 15 जुलाई में रायकोट जिला लुधियाना विच बुचड़ा ते हमला किया, दोषी फड़े गए ते इसे समय अमृतसर के हमले के दोषियों का भी पता लग गया। एक मुकदमे विच बहला सिंह नारली जिला लाहौर, फतेह सिंह दुकानदार अमृतसर, हाकम सिंह पटवारी पिंड मोड़े जिला अमृतसर, सरदार लैना सिंह पिंड रंधावा पखो के जिला गुरदासपुर ते सरदार झंडा सिंह चट्टेवाला नूं फांसी की सज़ा दी गई। होर 2 सिंघां नूं उम्र कैद हो गई। दूजे केस विच मस्तान सिंह, मंगल सिंह ते गुरमुख सिंह नूं फांसी की सज़ा दी गई। इसे केस विच ज्ञानी रतन सिंह जी नूं फांसी लाया गया जो बिल्कुल निर्दोष सन। 15 जनवरी 1872 ईस्वी में 125 नामधारियों के जथे ने मलेरकोटले ते हमला किया ते इत्थे लड़ाई विच भी 7 नामधारी मारे गए, पर इन्हां ने मलेरकोटले दे कोतवाल अहमद खान ते एक होर आगू समुंदखान नूं भी मार दिता। अखीर फौज ते पुलिस ने रल के पिंड रड़ नेड़े 68 नामधारी गिरफ्तार कर लए। इन्हां विच जनानियां भी सन जो पटियाले भेज दित्तियां गईयां। 66 नूं मलेरकोटले ले आंदा गया ते इत्थे लुधियाणे दे डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन ने बिना मुकदमा चलाए इन्हां नामधारियां नूं तोपां नाल उड़ाण दा हुक्म दे दिता। पहले दिन 7 तोपां बीड़ियां गईयां, उन्हां नाल 50 नामधारी उड़ाण दा हुक्म होया। नामधारियां ने बिना डर दे छातियां खोल के खुशी खुशी तोपां दे गोले सहारे ते शहीद हो गए। एक बिशन सिंह नामी नौजवान पुलिस तो छुट के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कावन नूं जा पिया ते दाड़ी तो फड़ के उसनूं धरू लिया। सिपाहियां ने उस सिंह नूं तलवार नाल टोटे टोटे कर दिता। इस तरह दूजे दिन कमिश्नर ने आके 16 बाकी नामधारियां नूं भी तोपां नाल उड़ा दिता ते उन्हां लोकां विरुद्ध अपने गुस्से की अग कड्ढी जो अंग्रेज़ नूं अपने देश विच वेखना नहीं सन चाहुंदे। नामधारियां दी यह कुर्बानी भी सदा आपा वारन वालियां लई उत्साह दा सोमा बनी रहेगी।